वही थी हमारी पहले से ही 2-3 तारीख को जो है हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिशें और मलाई इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी के चांसेस थे जैसे हमारा फोरकास्ट पहले था। तो रुक रुक के बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है जारी है, खासकर मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। और वहीं जम्मू सूबे की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिशें जो है बिल्कुल सुबह से कंटिन्यूसली चल रहा है, खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों में और बलाई इलाकों में वहाँ पे भी हल्की बर्फबारी चल रही है। तो ओवरऑल जो ये सिस्टम खासकर वादी की अगर हम बात करेंगे तो आज लेट इवनिंग तक जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा और जम्मू साइड में कंटिन्यू रह सकता है, आज लेट नाइट या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग तक कंटिन्यू रहेगा और कल 10-11 बजे से वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होगा खासकर जम्मू डिवीजन में। और मौसम जो है लगभग 6 तारीख शाम तक जो है खुशगवार रहेगा, 6-7 के बीच में एक स्पेल फिर से होगा, लाइट स्पेल ही होगा 6 शाम से लेकर 7 दोपहर तक। फिर 8 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके कारण जो है हल्की बारिशें बर्फबारी फिर से चांसेस हैं, थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है मैदानी कुछ एक जगहों पे मैदानी इलाकों में। और उसके बाद लगभग 11 तारीख शाम तक जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा। तो अभी फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है जिसमें हैवी स्नोफॉल या रेनफॉल का कोई प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 11 तारीख तक जो है बीच बीच में छोटे छोटे WDs आते रहेंगे तो मौसम उसी बीच खराब रहेगा, बाकी ओवरऑल जो है कोई हैवी वेदर सिस्टम नहीं है 11 तारीख तक।